क्या करना चाहिए आपको, मैं मेंस पे डिटेल वीडियो लेके आऊंगा वैसे पढ़ना कैसे है मेंस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। जिन्होंने मेंस दिया है उनसे भी मैं मिलूंगा, अगर हो सकेगा तो उनको भी वीडियो में लूंगा, उनसे बात कर लूंगा अगर कंफर्टेबल होंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस के लिए एक अच्छी खबर है, दो अच्छी खबर है। एक तो आरजेएस मेंस की बात करूंगा, उसमें कितना लगभग टाइम मिलता है, सफिशिएंट टाइम है, और एक आरजेएस को सुविधा मिलने लग गई है। क्या सुविधा है वो मैं आपको बताऊंगा, और यह सुविधा काफ़ी अच्छी है तो डिटेल में बात करेंगे। कट ऑफ वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो जाके, और पेपर कैसा था मैंने उस पर भी व्लॉग बनाया वो भी देख लो जाके, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आरजेएस में उसके बारे में कमेंट करना, कट ऑफ क्या जा सकती है ये भी कमेंट करना। ऑब्जेक्शन पूछ रहे हैं सर कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं। हाईकोर्ट को आपको पुख्ता सबूत देना पड़ेगा, रीजन के साथ आपको ऑब्जेक्शन लगाने पड़ेंगे तभी जाके वो कंसिडर करेंगे। रिट भी फाइल कर सकते हो, आपके ऊपर है। कई बार ये होता है बोनस नंबर मिल जाते हैं, कई बार क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं, तो बोनस मिलेगा तो सबको ऐसा रहता है, शायद जिन्होंने अटैम्प्ट किया है उनको बोनस मिल जाएगा। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जो बाउंड्री लाइन पे है वो रिजल्ट का वेट करे। बाउंड्री लाइन कौन सी है मैंने इस पे कट ऑफ बना रखा है, इस पे बात नहीं करूँगा वीडियो के, और या तो एंड में बात कर लूँगा। पहले इसके बारे में बात करते हैं, पहली सुविधा क्या मिल रही है। राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है और 21/6/2024 का आरजेएस के प्री से पहले का नोटिफिकेशन है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि पेपर थे, और पर ये इन्फॉर्मेशन देना मुझे सही लगा इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। देखो इसमें लोन मिलेगा, कार की फैसिलिटी है, कार के लिए आप लोन ले सकते हो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को इन्होंने वो करा है असाइन, और 4% के दर पे मिलेगा ब्याज, साधारण ब्याज से मिलेगा, तो बहुत कम होता है 4%, वो भी सिंपल इंटरेस्ट है, तो जो मैक्स वाले समझते होंगे। तो ये सुविधा भी अब मिलने लग गई है, 10 लाख तक के लोन की सुविधा कार ले सकता है। ये केवल पहले बैंक वालों को मिलता था जो बैंक में एम्प्लॉई है, बट ये सेकेंड जुडिशियल पे कमीशन आया था उसमें ये भी थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे सारी सुविधा मिलने लग गई है, और अभी एसी भी मिल रहे हैं जो क्यों 2016 से मिल रहा है, तो 2016 वाले जो अधिकारी उनको एसी मिल रहा है, और जो अभी हो गए हैं 4 या 5 साल तो वापस मिल रहे हैं, तो दो दो एसी मिल रहे हैं अधिकारियों को, उठा भी रहे हैं अधिकारी। और डोमेस्टिक हेल्पर अलाउंसेज भी मिल रहा है, और ड्राइवर के भी अलाउंसेज मिल रहे हैं, सारे अलाउंसेज मिलने लग गए हैं। आप मानोगे नहीं या मान जाओगे, बता देता हूँ कि कब, लगभग जिसने LLM कर रखी है उसकी 55 से 60 हज़ार सैलरी बढ़ गई है, जो 4-5 साल हो गए उनका इंक्रीमेंट भी लगता है, तो काफ़ी सैलरी इंक्रीज हुई है अलाउंसेज के बाद। और ऐसी अब जो ये सुविधा आरजेएस से मिल रही है ना, किसी अधिकारी को नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, पहले मेरा वीडियो देखना क्या क्या सुविधा मिलती है आरजेएस को सेकंड जुडिशियल पे कमीशन, उसके बाद कमेंट करना आप। तो अब बात करते हैं आरजेएस का मेंस कब तक हो सकता है, ठीक है। ये वीडियो तो आपने देख लिया, देखो आरजेएस का मेंस लगभग 2.5 से 3 महीने मिल सकता है। मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर है, काफ़ी हाई फीवर है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आरजेएस का मेंस बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब तक हो जाएगा कब तक हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखो लगभग 2.5 से 3 महीने मिलने चाहिए, और देखो आपको पता है वैसे कहते हैं 1.5 महीने का रहता है इस बार फॉर्म भरने से, और फॉर्म भरने से 1.5 महीने भी नहीं दिए क्योंकि फॉर्म की डेट एक्सटेंड हुई थी, तो हाईकोर्ट के ऊपर है वैसे कितना मिलता है समय। लास्ट टाइम जब ADJ का पेपर हुआ था, लास्ट टाइम आरजेएस से पहले ADJ प्री हुआ था, फिर आरजेएस का प्री हुआ, फिर आरजेएस का मेंस हो गया, फिर भी ADJ का मेंस नहीं हुआ, तो ये सब हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है। ADJ की वैकेंसी भी आने वाली है, जो हायर जुडिशल की तैयारी कर रहा है उनको भी वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी, और निराश नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बाउंड्री पे हैं अगले साल की तैयारी करो, APO आपके पास है, राजस्थान APO का ऑप्शन है, और जो बाहर से आए थे राजस्थान में अधिकतर बच्चे बाहर के थे, बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे बाहर से, और स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी रही है आरजेएस प्री में, मैं आपको बता देता हूँ लगभग 70 से 80 हज़ार की स्ट्रेंथ रही है, और उससे ऊपर भी हो सकता है, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रही है। भीड़ भी थी, एबसेंट नहीं थे इतने लोग, मेरे क्लास में भी नहीं थे, 2-4 लोग वो एबसेंट थे, जेल वे टाइम ऐसा नहीं हुआ, लेट भी उन्होंने एंट्री दी है और जूते भी पहन के जाने दिया, पर उसमें लिखा हुआ था तो आपको रूल फॉलो करने चाहिए, और जूते भी पहन के जाने दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें अलाउ कर दी, टेप लगा दिया था कानों में, कुंडल वंडल पहनते हो तो ब्लैक टेप लगा दिया था, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और मेंस के लिए आपको 2.5 से 3 महीने मिलने चाहिए, और लास्ट टाइम मेरे को याद नहीं है कितने मिले थे, अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके बता देना। लास्ट टाइम वाला भी मेंस दिया था मैंने,
और मैंने 3 बार आरजीएस दिया है। लोग पूछते हैं सर आपका टाइम कौन सा है, मैंने 3री बार आरजीएस दिया है, दोनों बार मेंस दिया है और दोनों बार पढ़ के दिया था। इस बार मैंने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करी थी। अब मानो या ना मानो, मैंने बोला सर 20-25 दिन पढ़ा था मैं, पर बच्चे मान नहीं रहे। इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था। अगर सेक्शन बेस्ड होता पेपर तो मुझे दिक्कत होती, क्योंकि मेरे को सेक्शन याद नहीं है। सेक्शन जो रट के गए थे उनको दिक्कत हुई है। इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था, अच्छा पेपर था, हार्ड पेपर था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पेपर अटैम्प्ट कर सकते थे इजीली, तो वही हुआ है। और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे उनके नंबर भी अच्छे हैं। अब बोल रहे हैं सर जजमेंट राइटिंग कैसे करें। जजमेंट राइटिंग की आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। अगर घर में कोई जज है आपके तो उनसे कोर्ट से मंगवा लो उनके जजमेंट, राजस्थान में उसका फॉर्मेट देख लो, वैसे हिंदी में मिलेगा आपको, फॉर्मेट देख लो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, उनसे ही पूछ लो, ठीक है। अगर कोचिंग कर सकते हो, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, 14 से 15 दिन की कोचिंग होगी, ज़्यादा बड़ी कोचिंग होती नहीं है, बिल्कुल कोचिंग कर लेना, थोड़ा दुख पा लेना, इससे ज़्यादा मौका मिलता नहीं है। प्री निकल गया तो मेंस में जान झोंक देना, और मतलब जान झोंकने से मतलब यह है कि ढंग से तैयारी करना, अपना जितना भी है 100% देना। और देखो 222 वैकेंसी है, इतना बड़ा कैडर अब आएगा नहीं, तो प्री की कोचिंग करी ना करी, मैं कहता था प्री तो आप बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हो, बट मेंस में आपको क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केस लॉ भी याद करने पड़ेंगे और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें छोड़ भी सकते हो आप, वो आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना, पेपर अटैम्प्ट करना, चाहे एक पेपर अटैम्प्ट करो, दो पेपर अटैम्प्ट करो, तैयारी आपकी हो जाए। कई कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो माइनर एक्ट का टेस्ट ले लेते हैं, फिर मेजर एक्ट का ले लेते हैं, पहले CPC का, IPC का, जिससे आपके एक बार रिवाइज हो जाए तो आप टेस्ट देने चल जाओ, आपके ऊपर है। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। अगर मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी नहीं है हालांकि, मेरे जानकार की है। कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और मेंस का जो पेपर है 2.5 से 3 महीने मिल सकता है, और 2 महीने भी, और रिजल्ट ऑब्जेक्शन सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, और राजस्थान का रिजल्ट लेट नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आपने खूब मस्ती कर ली, एक हफ्ता निकल गया, जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो पढ़ाई चालू कर दें, उसको मिस ना करें। फिर भी आपके मन में डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे इन दिनों बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई कर करके थक गया, तो अब क्या ही करें, फिर भी करना पड़ता है, और रिप्लाई के बाद और रिप्लाई आता है तो ज़्यादा हेडेक बढ़ गई है अब, पर ठीक है, अब मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। आपको मैंने अपने नंबर बता दिए, लास्ट टाइम जेलों के मैंने मिलाए नहीं थे तो बहुत बच्चों ने कमेंट किया था उल्टा सुलटा, तो इसलिए नंबर इस बार मैंने मिला लिए, वैसे मैं मिलाता नहीं हूँ, और दिखा दिए, नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाऊंगा, पर कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी होता है तो इसलिए मैंने दिखा दिए। इन लोग कमेंट करते नहीं दिखाता तो आपका क्या हुआ, पढ़ते हो नहीं, ये बहुत लोगों ने किया था जेलों के टाइम पे, पर ठीक है, उनका कुछ कर नहीं सकते। 1-2 बच्चे हैं, 99% बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरे को एग्ज़ाम सेंटर में ही मिले थे, काफ़ी अच्छी तरह मिले थे, रेस्पेक्टफुली बोले थे, और काफ़ी मतलब मेरे को अच्छा लगा मिलके उनसे, और कईयों ने नंबर भी लिए हैं, और कई मिलना भी चाहते हैं, कई इंदौर बुलाना चाहते हैं, कोई कहाँ से था, कोई बिहार से था, सब जगह से थे लोग, तो बिहार से भी देने आए, सोचो पेपर आरजेएस का। ठीक है भाइयों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई डाउट हो मुझे मैसेज कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ। ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, एक तो मेंस बता दूँ आपको कब तक हो सकता है, क्या करना चाहिए आपको, मैं मेंस पे डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, वैसे पढ़ना कैसे है मेंस के लिए, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। जिन्होंने मेंस दिया है उनसे भी मैं मिलूंगा, अगर हो सकेगा तो उनको भी वीडियो में लूंगा, उनसे बात कर लूंगा, अगर कंफर्टेबल होंगे, जिन्होंने इंटरव्यू दिया आपको अच्छी गाइड कर देंगे, अच्छा गाइड कर देंगे, तो उनसे ही बात करेंगे। आज मेरी तबीयत खराब थी, आज ही वो मिलने आ रहे थे, मैं आज ही वीडियो बना लेता, बट अगर कल मैं सही हुआ तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।